हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज का दिन है 15वां। मैंने 30 दिन लगातार ब्लॉग बनाने का चैलेंज लिया है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज लेग्स की वर्कआउट करी है। पाँव में चलने की ताकत नहीं है गाइस, काफ़ी हैक्टिक होता है लेग का एक्सरसाइज। कमाल का वर्कआउट हुआ है। वेल, मैं कीटो डाइट फॉलो कर रहा हूँ, ये तो काफ़ी इफेक्टिव है। वेल दोस्तों, जिम से आने के बाद मैं फ्रेश होकर रेडी हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑडिशन आए थे, तो मैं उस प्रोसेस में लग गया। और बाहर से आपको आवाज आ रही होगी बैंड बैंड बजने की, ढोल बजने की, क्योंकि आज गणपति विसर्जन है, जिस वजह से चारों तरफ से ही आवाज आ रही है। मुझे ऑडिशन बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बट ठीक है, मैं पावर माइक यूज करता हूँ, जिस वजह से मुझे ज्यादा इशू नहीं हुआ। तो मैं आपको ये अपडेट देना चाहूंगा कि मैं जस्ट आज से 2 से 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि अभी 6 बजने चले हैं और मैं लगातार सिर्फ ऑडिशन बना रहा हूँ, अभी भी एक ऑडिशन बनाना है। तो इसी तरह की चीजें चल रही है। और क्या होता है कि हम कास्टिंग एक्टर ऑडिशन भेजते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस भी आता है, उस तरह के चेंजेस भी आ गए। तो मुझे आज बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है। एक चीज मुझे आपको बताना था कि जैसे कि मैं, मेरा क्या रूटीन है, मैं जिम से आने के बाद मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ, देन उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता और खाता हूँ सीधे रात में जाके 7 से 8 बजे मैं खाना खाता हूँ। तो मेरे दिन भर में एक ही डाइट आता है और इस डाइट का मुझे तगड़ा फ़ायदा मिला सिर्फ एक दिन में, कि मैंने अपने वेट को लूज़ किया है 500 ग्राम आज मैंने लूज़ किया। जब मैंने जिम में देखा तो मैं शॉक्ड हो गया कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे। खैर, लेकिन इसका बहुत तेज़ नुकसान ये था कि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी, मैं काफ़ी लो फील कर रहा था एनर्जी में, जिस तरह चीज़ें हो रही थी। बट आज मैंने थोड़ा सा ऐसा किया कि नहीं, कुछ ना कुछ मैं खाना मत खा ही ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कल की तरह अपने आप को ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा ऑडिशन बनाना था। अगर एनर्जी लो रहेगा तो मैं ऑडिशन नहीं बना पाऊँगा, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाया है। बट हाँ, फॉलो ज़रूर कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे मेन डाइट मुझे रात को ही लेनी है। ये काफ़ी कमाल का यार, मुझे पता नहीं था ये, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है। घर से बाहर निकला और बाहर जो पूरा विसर्जन का फ्लेवर है, आज भी विसर्जन है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गणपति जी को विसर्जित कर रहे हैं और कमाल का वाइब है। चारों तरफ ढोल की आवाज़ है, चारों तरफ बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही, चारों तरफ भक्ति का माहौल है। तो फाइनली आज का दिन हुआ ख़त्म और ये कर रहा हूँ मैं आज के व्लॉग का एंडिंग। बेसिकली आज का दिन मेरा ज़्यादातर समय गया सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन करने में। बहुत सारी चीज़ें आज ऑडिशन में थी और उसमें मेरा बहुत सारा समय चला गया, बहुत सारा समय लगा, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारा करेक्शन होके चीज़ें आती है। लाइक आप ऑडिशन बना भेजते हो, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या कुछ सुधार करवाना होता है तो वो लोग सुधार करवाते हैं। तो उसमें मेरा आज का ज़्यादा समय गया और इस वजह से मैं बाहर नहीं आ पाया। सारा काम होम घर से ही चला मेरा। दूसरी बात, मैं शाम को जब मैं बाहर निकला तो मुझे चारों तरफ गणपति विसर्जन की का वाइब ही दिख रहा था, चारों तरफ माहौल यही था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने थोड़ा इधर उधर रहा, बट जिसके पास व्हीकल होता है उन लोगों को साइड जाने बोल देते हैं, तो मैं वहाँ रुक नहीं पाया। बट हाँ, जितना देखा उतना आपको मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल का ब्लॉग देखते हैं क्या होता है। अब मैं थोड़ा गणेश विसर्जन पर थोड़ा फोकस करने वाला हूँ, थोड़ा काम जल्दी निपटा के मैं गणेश विसर्जन के और वो कंटेंट ज़्यादा शूट करने वाला हूँ। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय, गुड नाइट।